good morning all the students of class 8 today my dear students i am going to present all of you a comprehension ग्लोबल वार्मिंग इज़ द बिगेस्ट इन्वॉर्मेंटल इशू वी आर फेसिंग नाउ ए डेज ग्लोबल वार्मिंग इज़ द बिगेस्ट इन्वॉर्मेंटल इशू ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा पर्यावरण मामला है जिसे आजकल हम लोग सामना कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का इट इज़ द ग्रेटेस्ट चैलेंज दैट वी नीड टू बीन यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे हम लोगों को जीतने की ज़रूरत है ये ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे हम लोगों को जीतने की ज़रूरत है इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग इज ए कंटीन्यूस एंड अस्टडी प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस सचमुच में ग्लोबल वार्मिंग इज ए कंटिन्यूस एंड स्टडी प्रोसेस सचमुच में ग्लोबल वार्मिंग एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है ऑफ इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस और जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड और आवश्यकता है इस पर डिस्कस करने का वाइल्डली बाय ऑल कंट्रीज इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है व्यापक रूप में सभी देशों में सभी देशों में इन्वयरमेंटल इश्यू पर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता है इट हैज़ इम्पेक्टेड नेचर्स बैलेंस यह प्रभाव डाला है प्रकृति के बैलेंस पर प्रकृति के संतुलन पर बायोडाइवर्सिटी जैविक जैविक विविधता पर एंड क्लाइमेट कंडीशन और जलवायु के स्थिति पर ऑफ द अर्थ ओवर डिकेड्स पृथ्वी पर दशकों से ग्रीन हाउस गैसेज लाइक सी ओ टू एंड मीथेन आर द मेन रीजन फॉर इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग ऑन द अर्थ ग्रीन हाउस गैसेज जैसे सी ओ टू गैस और मिथेन गैस मिथेन गैस पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण हैं दिस डायरेक्टली इम्पैक्ट यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है द राइजिंग सी लेवल समुद्र के सतह का ऊपर उठना मेल्टिंग आइस कैप्स आइस कैप्स का पिघलना ग्लेशियर का पिघलना अनएक्सपेक्टेड चेंज और अनएक्सपेक्टेड जिसकी आशा न की जा सकते हो ऐसा परिवर्तन इन द क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट में आशा रहित परिवर्तन हो सकते हैं हिमनद पिघल सकते हैं समुद्र का सतह ऊपर उठता है अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक्स जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू द स्टेटिक्स जनगणना के अनुसार इट हैज़ बीन इस्टीमेट दैट जनगणना के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता रहा है दैट द अर्थ टेम्परेचर हैज़ इन्क्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट जनगणना के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता रहा है कि पृथ्वी का तापमान एक बहुत बड़ी सीमा तक बढ़ चुका है एक बहुत बड़ी सीमा तक बढ़ चुका है सिंस द मिड ट्वेंटीन सेंचुरी बीसवीं शताब्दी तक बीसवीं शताब्दी से इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज एटोमासफेरिक ग्रीन हाउस और यह जो हुआ वह एटोमासफेरिक ग्रीन हाउस के बढ़ावा के चलते हुआ ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन ग्लोबली काउज बाय द इंक्रीज डिमांड्स ऑफ ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ग्लोबली काउज्ड बाय द इंक्रीज डिमांड्स ऑफ ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड मानव जाति के रहन सहन सहन के स्तर के मांग ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद किया इट हैज बीन मेजर दैट ईयर 1983 हंड्रेड ऐसा मापा जाता रहा है कि वर्ष 1983 में 1987 में 1988, 1989 एंड 1999 बेयर द बार में सिक्स ईयर ऑफ द पास्ट सेंचुरी गत शताब्दी के ये सब जो वर्ष जो थे 1983, 1987, 1988 और १९९९ ये सभी जो ईयर हैं उनको सबसे ज़्यादा गर्म साल के रूप में आंका गया है दिस इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग कॉल्स फॉर द अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर दिस इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग यह बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग एक अनचाह प्राकृतिक आपदा का बुलाहट है ग्लोबल वार्मिंग से जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है वैसी प्राकृतिक आपदा आ सकती है ऑन द अर्थ पृथ्वी पर जैसे लाइक फ्लड्स साइक्लोन सुनामी ड्राउट्स लैंडस्लाइड जैसे अचानक बहुत ज़ोरों से बाढ़ आ सकता है साइक्लोन उठ सकता है तूफान बबंडर सुनामी आ सकता है सुखाड़ आ सकता है और ज़मीन का स्लाइड हो सकता है खिसक सकता है आइस मेल्टिंग बर्फ पिघल सकता है लैक ऑफ फूड और भोजन की कमी हो सकती है इपिडमिक डि, डिजीज महामारी का रोग फैल सकता है ई टी सी अगर हम इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण नहीं किए तो हमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर का सामना करना पड़ सकता है दस काउजिंग इम्बैलेंस टू नेचर फेनोमेन इस प्रकार कारण होना प्रकृति के दृश्य का असंतुलन का कारण होना एंड इंडिकेटिंग एंड ऑफ लाइफ और जीवन पर और जीवन के अंत का इंडिकेट देना एग्जिटेंस ऑन दिस प्लेनेट इस ग्रह पर अस्तित्व में है इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू मोर वाटर एवॉपरेशन From the earth into the atmosphere. Increasing global warming, global warming बढ़ने के कारण पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पानी का बहुत ज़्यादा evaporation होता है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा पानी का ईभापोरेसन बाष्पीकरण होता है atmosphere में भी चीन टर्न बिकम्स ए ग्रीन हाउस गैस और यह जो है बदल जाता है ग्रीन हाउस गैस में एंड अगेन काउज राइज इन ग्लोबल वार्मिंग और पुनः एक कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग में एक उत्थान का अदर प्रोसेस लाइक बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स अन्य प्रक्रिया जैसे जैसे जीवाश्म का जलना यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर का प्रयोग करना राइज इन अदर गैस लाइक सी एफ सी एस अन्य गैस जैसे सी एफ सी एस का बढ़ना ट्रो, ट्रोसफीफेयर ओजन एंड न्यूट्रियस ऑक्साइड आर एल्सो द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये सभी फैक्टर्स जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं सी एफ सी एस गैस ट्रोपोस्फेरिक ओजेन एंड न्यूट्रियस ऑक्साइड आर एल्सो द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अल्टीमेट काउज द अल्टीमेट काउज ऑफ सच रीजन आर टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन

एक्सपेंशन, उद्योग धंधों का विकास डिफॉर्सेसन वनों की कटाई प्रियोरिटी टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की प्रधानता देना ये सभी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण माने जाते हैं वी आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल प्रोसेस थ्रू डिफॉर्सेसन हम लोग डिफॉर्सेसन के जरिए नेचुरल प्रक्रिया को नष्ट कर रहे हैं वनों के कटाई के द्वारा नेचुरल yeah. yeah. प्रोसेस को नष्ट कर रहे हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तकनीकी विकास का प्रयोग लाइक like, ग्लोबल कार्बन साइकिल क्रिएटिंग होल्ड्स इन द ओजन लेयर ई टी सी एंड अलाउिंग द यू भीज टू इंटर द अर्थ यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एड टेक्नोलॉजिकल विकास का प्रयोग जैसे ग्लोबल कार्बन साइकिल क्रिएटिंग होल्ड्स इन द ओजन लेयर ई टी सी एंड अलाउंग द अल्ट्रा वायरस रेज़ टू इंटर द अर्थ एड टू एन इंक्रीज़ इन द ग्लोबल वार्मिंग और ये सभी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ रिमूविंग एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड इंशरिंग बैलेंस पेड़ पौधे मुख्य संसाधन हैं एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए हवा से और संतुलित करने के लिए वातावरण को संतुलित करने के लिए प्लांट्स नितांत आवश्यक है देअर फॉर बाई स्टॉपिंग डिफॉर्सेशन इसलिए डिफोर्सेशन को रोक करके एंड इनक्रेजिंग पीपुल टू प्लांट्स मोर ट्रीज और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हैं तो हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना वी कैन सक्सेड इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग तब हम लोग सफल हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को घटाने में यदि हम वनों की कटाई को रोक दें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं तो कुछ हद हाँ तक संभव हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी आए वार्मिंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट एक निश्चित बा फैलाव तक कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना भी बहुत आवश्यक है इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए ऑल थ्रू द वर्ल्ड पूरे संसार भर में एज इट लेसन द यूज ऑफ़ डिस्टर्बि टेक्नोलॉजी ऑन अर्थ चूँकि इसे माना जाता है पृथ्वी पर का विनाशकारी तकनीकी का प्रयोग तो इन सभी के माध्यम से हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोक सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और वनों की कटाई को रोकें जनसंख्या पर नियंत्रण करें अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जिसको कि आप लोग देख रहे होंगे वाट इज ग्लोबल वार्मिंग व्हाट आर द मेन रीजन फॉर इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ व्हाट आर द इम्पेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बीच ईयर मेजर द बार्मिस्ट इन द पास्ट सेंचुरी वाट डिसास्टर वर्कआउट बाई द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग व्हाट आर द अदर प्रोसेस एडिंग टू एन इंक्रीजिंग इन ग्लोबल वार्मिंग वाट आर द अल्टीमेट काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग तो इसे आप लोग बनाने की चेष्टा अवश्य करेंगे और आज का कार्यक्रम यहीं पर स्टॉप होता है थैंक यू फिर हम अगले दिन मिलेंगे